हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल नॉन टेक टेक विथ हसन भाई में आपका स्वागत है। यह इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट 4 है, जिसमें हम 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जो यह क्वेश्चन है वह डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसको आप लास्ट तक देखिएगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही हुए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी करिएगा। तो हम लेट न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ वुड अरेंज इन अ लाइन टू फॉर्म अ रेक्टेंगल एंड ऑन विच द ड्रॉइंग इज मेड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्ट्रिप ऑफ वुड से अरेंज है और एक लाइन के फॉर्म में रेक्टेंगल बनता है। उस वुड का यूज करके एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, मतलब कुछ ऐसा बोल रहा है। ठीक है जी, स्ट्रिप ऑफ वुड अरेंज इन अ लाइन, तो ये क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, तो देखिए मिनी ड्राफ्टर तो होगा नहीं, प्रोटेक्टर भी होगा नहीं, स्केल भी होगा नहीं, तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ड्राइंग बोर्ड। अब ड्राइंग बोर्ड में देखिए हमारा क्या होता है, ये जो ड्राइंग बोर्ड होती है वो हमारी सॉफ्ट वुड की बनी होती है। ठीक है, और ये अरेंज होती है एक लाइन के फॉर्म में और ये रेक्टेंगल फॉर्म करती है। और इसके बारे में बता दूं कि इसमें क्या होता है कि दो बैटन्स के सहायता से ये कनेक्ट होता है, दो बैटन्स लगे होते हैं। ठीक है, दो बैटन्स के सहायता से ये कनेक्ट होता है, तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए ड्रॉ करने के लिए कौन सा ट्रू हमारे यूज होता है? तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन केवल जो है हमारा टी स्क्वायर की सहायता से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन टी स्क्वायर। मिनी ड्राफ्टर से देखिए हॉरिजॉन्टल और पैरेलल मतलब 90 डिग्री लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोटेक्टर से हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्टर का यूज हम लोग लाइन खींचने में तो होगा नहीं, तो टी स्क्वायर ही है जो हमारा लाइन कर्व, फ्रेंच कर्व का यूज हमारा कर्व वगैरह जो बनाते हैं हम उसमें यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। ठीक है, ये देखिए जो टी स्क्वायर होता है वो मेड होता है हार्ड वुड का या तो प्लास्टिक का। ठीक है, ये दो पार्ट कंसिस्ट करता है, जो टी स्क्वायर होता है वो दो पार्ट कंसिस्ट कर सकता है, एक को स्टॉक बोलते हैं और एक को ब्लेड बोलते हैं। वो दिखता कुछ इस टाइप के शेप का है, ये ऐसा। ठीक है, यहाँ पास का पार्ट बता दे रहा मैं, ऐसे कुछ रहता है वो, ये ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो इसको स्टॉक बोलते हैं और इस पार्ट को ब्लेड बोलते हैं, इसको स्टॉक और इसको ब्लेड बोलते हैं। ये दो पार्ट में रहता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ एक्यूरेट परपेंडिकुलर लाइंस पैरेलल लाइंस एंड एंगुलर लाइंस। तो वो हमारा क्या होता है, जो हमारा पैरेलल लाइंस और एंगुलर लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस सब चीज खींचने का काम आता है, वो होता है हमारा मिनी ड्राफ्टर। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। मिनी ड्राफ्टर कैसे? परपेंडिकुलर लाइन मतलब लंबवत लाइन, पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा, और एंगुलर लाइन मतलब इंक्लाइंड, जो एंगल बना रहा हो, कोण बना रहा हो। ठीक है, तो वो हमारा मिनी ड्राफ्टर के थ्रू होता है। और मिनी ड्राफ्टर क्या होता है? मिनी ड्राफ्टर जो होता है आपके ये लाइन खींचने का काम आता है। ये कंसिस्ट करता है ब्लेड्स को और प्रोटेक्टर हेड को। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर था मिनी ड्राफ्टर था। ठीक है, हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजाइन हैव द साइज 1000 इंटू 700। तो किसकी साइज होती है? तो ये होती है हमारी 1000 इंटू 700 जो होता है वो होता है B1 की साइज। B1 की साइज होती है 1000 इंटू 700। बी नॉट की साइज क्या होती है? तो बी नॉट की साइज होती है 1500 इंटू 1000।
ठीक है। और फिर आपका क्या, B1 का हो गया हमारा 1000 × 700, B2 का हो जाता है 700 × 500, एंड B3 का हो जाता है 350 × 500। तो ये आपको पता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज फॉर ड्राइंग सर्किल। हम कौन सा कॉमन टूल यूज करते हैं सर्कल को ड्रॉ करने के लिए? तो हम देखें, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम एक कंपास यूज करते हैं, डी नंबर, ठीक है, कंपास यूज करते हैं। तो कंपास क्या होता है, कंपास इज यूज टू ड्रॉ सर्कल, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। इस यह डिजाइन करता है सिमिलर टू द डिवाइडर के, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर ड्रॉइंग सर्कल्स विथ लार्ज रेडियस, ड्रॉइंग सर्कल विथ लार्ज रेडियस, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि ड्रॉ कर रहे हैं लार्ज रेडियस के सर्कल को, तो कौन से हम लोग यूज करेंगे? तो हम देखिए, लेंथनिंग बार कंपास का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लेंथनिंग बार कंपास। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। क्या होता है इसमें कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फॉर इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कल ग्रेटर देन द टोटल ओपन लेंथ ऑफ द कंपास। ठीक है, तो लेंथनिंग बार कंपास का यूज करते हैं जब हमको लार्ज रेडियस सर्कल को बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए हमको छोटा, तो बो कंपास का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर लार्ज रेडियस नहीं हमको करना होता, अगर हमको छोटा सर्कल बनाना होता तो हम बो कंपास का यूज करते हैं, BOW कंपास, ठीक है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल्स इज यूज बाई आर्किटेक्ट्स फॉर मेकिंग ब्लू प्रिंट्स। तो किस ड्राइंग टूल का यूज करता है आर्किटेक्ट ब्लू प्रिंट्स के लिए? तो वो होता है हमारा, आपका क्या होता है, इंक पेन का यूज करता है। किसका यूज करता है? इंक पेन का यूज करता है आर्किटेक्ट, इंक पेन का यूज करता है ब्लू प्रिंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल्स इज नॉट यूज टू सेट द ड्राइंग शीट ऑन टू द ड्राइंग बोर्ड। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज नॉट यूज, कौन सा ड्राइंग टूल यूज नहीं होता है, कब? जब ड्राइंग शीट ऑन टू द ड्राइंग बोर्ड में। तो वो होता है हमारा, देखिए ड्राइंग क्लिप्स तो लगाते ही हैं, पिंस भी लगाते हैं, और अब पेज जो हमारा, देखिए ये बोर्ड है मान लीजिए, ठीक है, इसको समझ लीजिए, ये हमारा ये क्या है, बोर्ड है। इस पे हमने अपने A0 या फिर A1, A2 किसी भी साइज का पेपर सेट किए। अब इस पेपर को हम सेट करने के लिए या तो पिन लगाएंगे ये चार कोने पे, है ना, या तो क्लिप लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे क्लिप फंसा देंगे कि हमारा पेज हिले ना, और नहीं तो हम ये फिर टेप लगाएंगे, डिवाइडर हम नहीं यूज करते। तो इसका जो सही आंसर होगा, पूछ रहा नॉट, विच इज नॉट यूज, तो इसका जो होगा आंसर डिवाइडर सी नंबर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा डिवाइडर सी नंबर का सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज टू ट्रांसफर डायमेंशन वेन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ डायमेंशंस। तो हम उसमें उस टाइम कौन सा यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं डिवाइडर का। क्या यूज करते हैं हम उस टाइम? डिवाइडर का यूज करते हैं, ठीक है। जब हमारा क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द डायमेंशन, मतलब बार बार कोई एक डायमेंशन रिपीट हो रहा हो, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, अब डिवाइडर में हम सेट कर लेंगे। मान लीजिए हमारा 5 mm का 10 आर्क कट करना है, मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, इसमें हमको 10 आर्क कट करने हैं 5 5 mm के। तो हम स्केल से कितना मेजर करेंगे बार बार, तो हम 5 mm का डिवाइडर में हम सेट कर लेंगे, और उसके बाद हम आर्क ऐसे रखते हुए पॉइंट कट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइडर ही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ लीड्स इज द हार्डेस्ट। तो देखिए इसमें कौन सा ग्रेड होता है, ग्रेड की पेंसिल होती है जो हार्डेस्ट होती है, तो वो होती है हमारी 6H। 6H जो होता है हमारा हार्डेस्ट ग्रेड का पेंसिल होता है, 6H जो होता है हार्डेस्ट ग्रेड का पेंसिल होता है, हार्डेस्ट ग्रेड की लीड होती है, ठीक है ना।
सिक्स एच क्या होता है, हार्डेस्ट ग्रेड की लीड होती है। जो सॉफ्टेस्ट ग्रेड होती है वो होती है 6B। सॉफ्टेस्ट ग्रेड क्या होता है, 6B होता है। और HB जो होता है हमारा, HB होता है वो मीडियम सॉफ्ट ग्रेड का होता है। ठीक है सब, आप लोग नोट करते चलिएगा। HB जो होता है मीडियम सॉफ्ट ग्रेड होता है। जनरली हम लोग एजुकेशन पर्पस में 2HB पेंसिल यूज करते हैं ड्राइंग बनाने में। ठीक है, बी जो होता है, बी पेंसिल होती है हमारी, वो सॉफ्ट होती है। और एच जो होता है, बी जो होता है सॉफ्ट होता है, एच होता है मीडियम हार्ड। ठीक है, बी एच जो होता है क्या होता है, मीडियम हार्ड होता है। और एच जो होता है मीडियम हार्ड होता है। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 6H सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर मेकिंग एंगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज। तो देखिए, एंगल बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, चांदा जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, डी। ठीक है, यहाँ पे 90, ये ऐसे होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 10 15 जो भी है ऐसे। ठीक है, प्रोटेक्टर का यूज हम लोग क्या करते हैं ड्राइंग करने, किसकी ड्राइंग करने के लिए, एंगल। फॉर मेकिंग एंगल वी विल यूज़ प्रोटेक्टर, हम लोग यूज क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारा एक सेट स्क्वायर जो होता है 30 60 90, मतलब देखिए हमारा सेट स्क्वायर कुछ इस टाइप से दिखता है, ये ऐसे रहता है। देखिए ऐसे यहाँ पास एक ट्रेंगुलर शेप कटा होता है, तो 30 60 होता है एक, और एक होता है 30 45 45 का, और यहाँ पे एक ट्रेंगुलर। ठीक है, 45 45 डिग्री का होता है एक, एक 30 60 का होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, यूजिंग 30 60 90 एंड 40 45 45 90 सेट स्क्वायर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ। तो देखिए, जो इस सेट स्क्वायर से हम जो एंगल ड्रॉ करते हैं वो 15 डिग्री का मल्टीप्लाई होता है, 15 डिग्री का मल्टीप्लाई होता है। और इसको हम लोग किसके सहायता से यूज करते हैं, हमारा जो टी स्क्वायर होता है उसके ऊपर रख कर हम एंगल को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, ये 15 डिग्री का मल्टीप्लाई होगा तो 45 डिग्री तो बन जाएगा, 30 भी बन जाएगा, 15 6 90 ये भी बन जाएगा, तो 10 डिग्री का एंगल इससे नहीं बनेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, 10 डिग्री। ठीक है, सी नंबर 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रा पैरेलल लाइंस फास्ट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा पैरेलल लाइन, मतलब कुछ ऐसी दो लाइन, पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं खींचने के लिए सही होगी। तो वो होती है हमारी रोल एंड ड्रॉ, रोल एंड ड्रॉ। ठीक है, देखिए कैसे बता देता हूँ। मान लीजिए रोलर जो होता है, रोलर स्केल आपने देखा होगा जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे। तो देखिए, रोलर स्केल से ऐसे एक लाइन खींचे और उसी को आप सरका दीजिए ऊपर की ओर और फिर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो रोलर स्केल ही सबसे आसानी से, रोल एंड ड्रॉ। तो पैरेलल लाइन फास्ट ड्रॉ करने के लिए रोलर स्केल, रोल एंड ड्रॉ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बैटन्स विल बी देयर फॉर अ ड्रॉइंग बोर्ड। तो देखिए, कितने बैटन्स, तो देखिए एक और दो हो सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी बैटन्स विल बी देयर फॉर अ ड्रॉइंग बोर्ड, तो दो होंगे, विल बी देयर फॉर अ ड्रॉइंग बोर्ड। तो इसमें कितने होंगे, दो बैटन्स होते हैं। ठीक है, दो बैटन्स रहेंगे ड्रॉइंग बोर्ड के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, कि हाउ मेनी बैटन्स, तो टू बैटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू टी स्क्वायर इज, द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू टी स्क्वायर इज, ऐसा पार्ट जो टी स्क्वायर से बिलोंग नहीं करता है, तो वो क्या है। देखिए, वर्किंग एज, ब्लेड और स्टॉक। वर्किंग एज तो रहता ही है, टी स्क्वायर में वर्किंग एज रहता ही है। ठीक है, टी स्क्वायर में वर्किंग एज रहता है, ब्लेड भी रहता है, स्टॉक भी रहता है। तो हमारा कौन सा पार्ट नहीं होता है, तो वो नहीं होता है इबोनी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इबोनी। ठीक है, तो इसका डी नंबर सही आंसर होगा, इबोनी। तो ये फ्रेंड्स हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।